ऊना जिला मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में शनिवार सुबह समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं CDPO कुलदीप सिंह दयाल और स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु नाटिका के माध्यम से छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। शिविर में विशेष रूप से आई महिला चिकित्सकों ने भी छात्राओं को इसके बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना गर्ल्स में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारी किशोरियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको जो मासिक धर्म है उसको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, स्वच्छता को कैसे मेंटेन करना है, इसके ऊपर जहाँ पर डॉक्टर जागृति दत्ता जी आयुष डिपार्टमेंट से और डॉक्टर विरिदुल जी हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे बीच जहाँ आए हैं और बच्चियों को बहुत ही सहज और अच्छे तरीके से उनको जागरूक किया गया है ताकि भविष्य में जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं इस मासिक धर्म के दौरान अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकें, अपनी साफ सफाई को कैसे मेंटेन रख सकें और संक्रमण से कैसे बच सकें उसके बारे में बड़ी विस्तृत तौर पर उनको जागरूक किया गया है। और उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है हमारा बाल बालिका सुरक्षा योजना है और जितनी भी अन्य महिलाओं और बच्चों से और बालिकाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उसके बारे में भी विस्तृत तौर पर जहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित रहे हैं मैडम पुष्पा जी जो कि नगर परिषद ऊना की अध्यक्षा है और मैडम उर्मिला जी जो कि काउंसलर हैं जहाँ पर उन्होंने भी बच्चियों से संवाद किया और उनके साथ बहुत ही एक सहज तरीके से अपने अनुभव साझा किए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062।